दोस्तों ये कढ़ाई आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा काली हो गई है, ये छूटने का नाम ही नहीं ले रही है। इसे कितना भी हम धुलते हैं लेकिन फिर भी इसमें काले काले, ये देखिए काफी सारा पपड़ी टाइप का जम गया है। इसे हम कैसे साफ कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से? तो दोस्तों चलिए आज हम इसे साफ करते हैं और देखते हैं कि कितना ये साफ होता है या फिर नहीं होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इसे साफ करना है और इसको हम अंदाजते भी हैं कैसे ये साफ होता है या फिर नहीं होता है, क्या होता है, रिजल्ट आपके सामने होगा। और हम वीडियो को ज़्यादा एडिट नहीं करेंगे, बस जो भी होगा हम आपको साफ साफ दिखाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों लोहे की कढ़ाई जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा काम की होती है, उसमें आयरन की मात्रा होती है, तो हम इसे आज साफ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक चाकू लेंगे, चाकू की मदद से जो मोटी पपड़ी है इसे हम थोड़ा सा छुटा लेंगे। अगर पपड़ी नहीं छूट रही है लेकिन फिर भी आज हम इसे थोड़ा सा साफ ही करेंगे, तो हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन और उसके बाद हम इस कढ़ाई पर थोड़ा सा हारपीक डाल देंगे। हारपीक जो होता है वो क्लीनिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो हम सबसे पहले हारपीक को डाल देंगे और एक पुराना स्क्रबर लेंगे और उसकी मदद से पूरे कढ़ाई में इसे हम फैला देंगे। हम लगा करके 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दे रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कितना हमें रिजल्ट मिलता है। वैसे तो हमें नहीं लग रहा है कि ये छूटेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कालापन हो गया है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं और आपको हम दिखा देंगे एकदम रियलिटी कि साफ होगा या फिर नहीं होगा। किसी के बहकावे में आप लोग मत आइएगा, थोड़ी मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो साफ होगा ही होगा। हम भी हार मानने वाले में के नहीं हैं, एक बार इसे धुल कर लाते हैं फिर देखते हैं। अब हम थोड़ा सा कोलगेट भी डाल दे रहे हैं और इसी के साथ साथ हम हारपिक भी डाल दे रहे हैं, तब देखते हैं। 5 मिनट छोड़ दे रहे हैं और फिर इसको साफ करके देखते हैं कि ये साफ होता है या फिर नहीं होता है। ये 5 मिनट रखे हुए हो चुका है, अभी हम धुल करके लाते हैं और दिखाते हैं कि रिजल्ट क्या है। ये देखिए दोस्तों रिजल्ट आपके सामने है, कितना ये साफ हुआ है। थोड़ा बहुत तो साफ हुआ है, अगर बराबर ऐसे साफ करें तो ये एकदम नए जैसे चमकने लगेगा। ये क्योंकि चूल्हे पर भी इसे यूज किया जाता है, जैसे कि मिठाई वगैरह बनाना होता है तो इसी में बनाया जाता है, तो ये अच्छे से अगर क्लीन नहीं किया जाता है तो ऐसे मोटी परत जम जाती है, और अगर तुरंत आप इसे क्लीन कर दीजिए तो ये साफ हो जाती है, ये इतनी गंदी नहीं होती है। ये तो हमारे घर में ऐसे पड़ी थी तो हमने सोचा कि आप सभी लोगों के साथ थोड़ा सा एक वीडियो बना करके शेयर कर दिया जाए, जिससे आप सभी लोगों को भी पता चले कि कितना हद तक हारपीक डालने से कढ़ाई साफ होता है और अंदर की साइड में ये ऐसे रहता है, यानी कि साफ रहता है। तो जब हम धुल करके रखते हैं तो कुछ इस तरीके से जंग लग जाते हैं कढ़ाई में। इसमें जंग ना लगे इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप कढ़ाई को धुलें थोड़ा सा साबुन लगा करके धुल दीजिए, तब आप रख देंगे तो आपके कढ़ाई में कभी भी जंग नहीं लगेगा। इसके अलावा क्या करना है, अगर आप कढ़ाई को रखें तो धुलने के बाद थोड़ा सा सरसों का तेल चारों तरफ लगा दीजिए, लगा करके रख दीजिए। आप चाहे जितने दिनों तक कढ़ाई को रखे रहेंगे आपके कढ़ाई में बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा। आई होप कि आपको यह टिप्स पसंद आया होगा, टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे इस चैनल की अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।